बैटरी सीरीज एंड पैरेलल के अंदर सपोज करो आपके पास दो बैटरीज हैं, दो बैटरी की ईएमएफ E1 E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और एक्सटर्नल R है। मेरे को दो बैटरीज पे काम करना नहीं आता, मेरे को काम करना सिर्फ एक ही बैटरी पे आता है। तो दो बैटरी देख के मैं सोच नहीं पाता मैं क्या कर रहा है। तो ये टॉपिक आपको ये बताता है कि अगर दो बैटरीज हैं इसकी जगह आप एक बैटरी लगाना चाहते हैं उसकी ईएमएफ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E2 अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में सही तरह बैटरीज तब कनेक्टेड मानी जाती है जब प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस। अगर ये टर्मिनल उल्टे हो गए प्लस माइनस माइनस प्लस तो ये बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, तब भी मानी तो सीरीज में ही जाएगी पर ईएमएफ फिर नेगेटिव हो जाती है, बताऊंगा क्या करना है। पर फिलहाल ये दोनों सीरीज में प्रॉपर, आपको इसमें मान लो इस बैटरी ने करंट आई निकाला तो यहां से आई जाएगा, इसमें एंटर आई करेगा तो इसमें बाहर भी आई निकलेगा, सब सीरीज में है, आई की वैल्यू सब में क्या रहेगी सेम। कुछ समझ में ना आए सीरीज में तो एक काम करें किरचॉफ लॉ लगा दें, अपने आप बैटरीज एडजस्ट हो जाती हैं। कैसे, यहां से स्टार्ट होके घूम के वापस आए तो जब आप यहां लेफ्ट जा रहे हैं तो यहां पर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं और किरचॉफ लॉ में क्या सीखा था हमने, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर टू। ओके, ये यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू कर लेते हैं, चलो यहां से घूम के वापस आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस आई इंटू आर टू, फिर माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस ई टू, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस आई इंटू आर वन, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस ई वन इक्वल टू जीरो। राइट, क्लियर है यहां तक? तो यहां से माइनस आई कॉमन आ गया और यहां से सॉल्व करके करंट की ये वैल्यू आ गई। राइट, करंट आ गया, करंट की वैल्यू के अंदर आपके पास क्या आया, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएमएफ में हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब ई1 प्लस ई2, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या है, कैपिटल आर एक्सटर्नल है और इंटरनल क्या है आर1 प्लस आर2। यानी कि अगर आप इन दो की जगह एक बैटरी लगाएंगे तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा प्लस और माइनस, इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी ई1 प्लस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बनेगी R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज में ये ऐड हो गई और एक्सटर्नल कैपिटल R। तो समझ में आ रहा है कि अगर दो बैटरी सीरीज में है तो उसकी जगह एक बैटरी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पर अगर एक बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, मतलब जैसे सपोज करो एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है सच दैट एक सीधी और एक उल्टी, जैसे न्यूमेरिकल में करके दिखाता हूँ। सपोज करो आपके पास ये एक बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है प्लस और माइनस, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक और बैटरी है 8 वोल्ट की बैटरी है प्लस माइनस, इंटरनल 2 ओम है और आपको इसमें कैपिटल आर की वैल्यू 8 ओम गिवन है, आपको करंट निकालना है। तो आप टोटल ईएमएफ क्या लेंगे, तो ये बिल्कुल सही कनेक्टेड है सीरीज में, तो क्या आएगा 10 प्लस 8 यानी कि 18, 18 वोल्ट है प्लस और माइनस, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी क्या बन जाएगी 1 और 2 मिला के 3 और ये 8 ओम है, तो आपके पास आंसर आएगा 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8, एक आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो बैटरी में मैंने इसको उल्टा कनेक्ट कर दिया, उल्टा कनेक्ट किया कैसे, ये माइनस और ये प्लस ऐसे, और मान लो ये 25 वोल्ट है, ये 25 वोल्ट है और ये 2 ओम है, अब करंट क्या होगा ये क्वेश्चन है। अगर आपको अब करंट निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों बैटरीज की जगह एक बैटरी लगानी है, तो अब क्योंकि एक बैटरी उल्टी कनेक्टेड एक सीधी, तो फिर दोनों ईएमएफ माइनस होंगी, प्लस नहीं होगा। अगर सीधी सीधी है तो प्लस, अगर एक उल्टी है तो माइनस। अब किस में से क्या माइनस करें, बड़ी ईएमएफ में से छोटी ईएमएफ को माइनस करना है हमेशा, छोटी में से बड़ी नहीं करना, नेगेटिव ईएमएफ नहीं चाहिए, बड़ी में से छोटी, बड़ा कौन है 25, छोटा कौन है 10। तो क्या करेंगे, जो नई बैटरी आएगी उसकी जो जो नई बैटरी बनेगी उसकी जो ईएमएफ होगी वो क्या बनेगी, 25 में से 10 गया तो 15 वोल्ट बनेगी। रेजिस्टेंस में कोई चक्कर नहीं, रेजिस्टेंस तो सीरीज में ऐड ही होती है तो 3 ओम ही रहेगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो पोलैरिटी है प्लस माइनस माइनस प्लस, नई बैटरी की पोलैरिटी कैसी बनेगी, जो बड़ी बैटरी की है, बड़ी बैटरी कौन है ये है,
ऐसी, तो इसकी शक्ल ऐसी बनानी है, पोलैरिटी ये बनेगी ये नहीं बनेगी, ये आंसर है। तो समझ में आ रहा है कि एक सीरीज में बैटरीज कैसे लगती हैं। तो इसके अंदर यही गिवन है कि बैटरीज इन सीरीज के अंदर ये करंट है, बस आपने ये शॉर्टकट याद रखना है, कोई इसमें प्रूफ नहीं आता। अगर बैटरीज रिवर्स हैं तो मैंने बता दिया E1 माइनस E2 बात का था, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आप फॉर्मूला रजिस्टर में से प्लीज नोट जरूर कर लें कि टोटल EMF अगर सीधी बैटरी है तो E1 प्लस E2, और अगर एक बैटरी रिवर्स है तो E1 माइनस E2, ये बना लेना। जिसमें आपने ये लिखना है अगर बैटरी सीरीज में है, ये बना लेना फॉर्मूला रजिस्टर में, अगर सीरीज में बैटरी है प्लस और माइनस बना लेना, यहाँ पर प्लस एंड माइनस E1 है, और सपोज ये कितना है, मान लो R1 है और ये E2 है, प्लस और माइनस विद R2 है और ये कैपिटल R है। तो यहाँ लिख लेना E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R, R1 प्लस R2, ऐसे, ठीक है ना। और साथ में ये भी बना लेना अगर बैटरी E1 है, R1 है, E2 है पर E2 उल्टा कनेक्टेड है और R2 है और ये कैपिटल R है, तो अब करंट जो होगा वो E1 माइनस E2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ऐसे होगा। ये लिख लेना प्लीज़।